अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील नौकार अकॅडमीच्या विद्यमाने 70वा प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत विद्यार्थ्यांच्या स्नेह मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी नौकार अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी शिका व कमवा या उपक्रमाद्वारे विविध खाद्यपदार्थ स्वतः तयार करून त्यांची विक्री सुद्धा या ठिकाणी केली। या खाद्यपदार्थ विक्रीमधून मिळणाऱ्या नफ्याद्वारे हे विद्यार्थी गरीब गरजूंना मदत करणार असल्याचे या विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे। याबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा सादर करण्यात आले। नौकार अकॅडमीचे संचालक मी आणि माझी मिसेस, आम्ही दोघी जण हे नौकार अकॅडमी क्लासेस चालवतो। आमचं आता हे जवळपास 4 ते 5 वर्ष आहे नौकार अकॅडमीला, आम्हाला 5 वर्ष पूर्ण झाले आहे। त्यानिमित्ताने आम्ही 26 जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधून नौकार अकॅडमीच्या माध्यमातून फूड स्टॉल्स आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजेच मुलांचा डान्स आणि गेम्स वगैरे ठेवलेले आहेत। दरवर्षी आम्ही नवीन नवीन कार्यक्रम नौकार अकॅडमीच्या माध्यमातून घेत असतो आणि ह्यावेळेस आम्ही औरंगाबाद येथे वॉटर पार्कला पिकनिक घेऊन गेलो होतो। मुलांनी त्यामध्ये खूप उत्स्फूर्त भाग घेऊन खूप एन्जॉय केला आणि खूप आनंद घेतला। यावर्षीसुद्धा आम्ही 2 वर्षापूर्वीसुद्धा असाच नौकार अकॅडमीच्या माध्यमातून फुल स्टॉल ठेवलेले होते आणि त्यापेक्षाही जास्त ह्यावर्षी आम्हाला जास्त प्रतिसाद मिळाला। त्यावेळेस आम्हाला फक्त 10 स्टॉल होते, यावेळेस आमचे जवळपास 30 ते 35 स्टॉल आहेत। आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्त जामनेर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष सौ साधनाताई महाजन यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित देऊन आम्हाला कृतज्ञ केलं, आम्ही त्यांचे फार फार आभारी आहोत। हे प्रोग्राम रिपब्लिक डे के हिसाब से हमने अरेंज किया। हम तो पिकनिक भी बहुत ले जा चुके हैं, हर चीज़ हम कर चुके हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये हमने खास इसलिए किया है कि बच्चों को इसकी पैसे कैसे कमाते हैं इसकी अहमियत भी आ जाए। और मुझे बच्चों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि ये पैसे जो उनके आ रहे हैं, जो उनको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से वो चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने मन से मुझसे कहा है, मैं फोर्स किसी ने भी नहीं किया, उन्होंने खुद से बोला है कि हम किसी चैरिटी के लिए इसको यूज़ करेंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बच्चों की बहुत अच्छी बात है और सब बच्चे बहुत खुश है, बहुत खुश लग रहे हैं बच्चे सब, और सब ने कैप भी पहनी हुई है अपने देश के हिसाब से। हमारे डांसेस भी हुए यहाँ पे, तो वो भी रिलेटेड टू अपने इंडिया के रिलेटेड ही थे, सब रिपब्लिक डे के थीम, इसलिए हमने अरेंज किया आज रिपब्लिक डे। हमको इसी तरह से सेलिब्रेट करना था हमको। ए जिनेन्द्र, मैं सोनल कोठारी, मैं कोठारी के यहाँ से हूँ। मेरे यहाँ के 6 बच्चे उनके ट्यूशन 7-6 बच्चे ट्यूशन में आते हैं। हाँ, नौकर एकेडमी में पढ़ते हैं। मेरे यहाँ के 6 बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ सारे टॉपर हैं और मैडम की वजह से ही टॉपर है। सब 90s के अबाव वाले बच्चे हैं और मैम हर बार कुछ ना कुछ नया लेती है। इस बार भी बहुत अच्छे से अरेंज किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे हम लोग भी बिजी है काफ़ी वो करने में, 2 दिन से घर में चहल पहल है। बहुत अच्छा लगा मैम को बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने ऐसे इवेंट लिया। अभी नेक्स्ट ट्रिप लेने वाले, उसमें पेरेंट्स लोगों को भी लेके जाने वाले हो, उसमें मेरा नंबर पहले। मैं सो आशा कोठारी, मेरी दीवरानी सो मनीषा कोठारी, इन्होंने 5 साल से नौकार अकेडमी में क्लास शुरू कराया था। जब उन्होंने क्लास शुरू किया था तब 10 ही बच्चे थे, लेकिन आज उनके क्लास में कम से कम 60 से 70 बच्चे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत ली कि उनके बच्चे, जो क्लास के बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है, वो आज उनके क्लास में टॉपर है। सब बच्चे 90% के ऊपर चले जाते हैं। उनके क्लास में से जो भी बच्चा निकलेगा वो IPS ऑफिसर, कलेक्टर या कोई भी बनेगा भविष्य में। ये मेरी मनोकामना है। इनका क्लास और आगे बढ़ो, इनको भगवान बहुत साथ दो। इतने बोल के मैं जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन, मैं नौकार अकेडमी में पढ़ाती हूँ। मैम बहुत हार्डवर्किंग करती है बच्चों के लिए और हमेशा उनका टारगेट रहता है कि बच्चे टॉपर ही रहने चाहिए मेरे क्लास के, और हमें भी बहुत इनकरेज करती है और गाइडेंस करती है। एनकरेज के साथ साथ वो ट्रिप भी निकालती है, वो भी ऐसी ट्रिप सब बच्चे एकदम इंजॉय करते हैं उसमें, और हमेशा मतलब एनकरेज करती है, और इसलिए उनके परसेंट भी बहुत अच्छा आते हैं बच्चों के। एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग वगैरह करने का, पर मैम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है और अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद भी बहुत अच्छे से टीच
एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम की वजह से। हमने चना चाट और चावला भल्ली बनाई है और मारी गोल का केक बनाया है। ये सब हमने घर पे बनाया है और मेरे साथ में एक था, उसने गेम्स रखे। मनीष गेम्स का बोल, हमारे यहाँ पे आज गेम्स भी लगाए हमने। एक बकेट बाउल का गेम है और यहाँ हमारे ग्लास इसमें से हमको जो इनकम आएंगी प्रॉफिट होगा हम उसे चैरिटी के मतलब गरीब बच्चों में बांटेंगे। वे वेज हक्का नूडल्स बनाया है और थैंक यू मनीष आंटी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं पहले बन रहा नहीं था लेकिन बाद में मैंने ये पूरी तैयारी करी। इसमें मेरे मम्मी ने भी मेरे को थोड़ा हेल्प किया था और आप भी एक बार आइए ये वेज हक्का नूडल्स टेस्ट करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम दृष्टि दिनकर वायकर है। आप कौन से स्टैंडर्ड से हो? मैं थर्ड स्टैंडर्ड से हूँ। मैंने आज दही बड़े बनाए हैं। रिपब्लिक डे की सबको शुभकामनाएं। रोशन डांगी, मैं समृद्धि रोशन डांगी, रिपब्लिक डे की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नवकार एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। हमारी मैम मनीषा मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी से पढ़ाती है वो और बहुत एक्टिविटीज़ हमारी लेती है और हमें उस पता ही नहीं चलता कि हम स्कूल में या ट्यूशन में कुछ मतलब समझता ही नहीं है। घर मीन्स घर ही है। हमारी सारी पढ़ाई मैम ही लेती है, घर पे पढ़ने का काम ही रहता है। थैंक यू। क्या बनाया आपने आज? आज मैंने मारी केक और फ्रूट पुडिंग बनाया है। मारी केक मारी बिस्किट का बनाया है और फ्रूट पुडिंग ब्रेड है उसमें गुलकंद है और ये फ्रूट सलाद है। हाँ, हम ये जो हम इससे हमें जो पैसे मिलेंगे जो इनकम होगी वो हम चैरिटी में मीन्स देंगे, डोनेट करेंगे या फिर हॉस्पिटल में। वी फील प्राउड ऑफ अस बिकॉज वी आर इन नवकार अकेडमी बिकॉज अवर मैम टीचर्स टू हाउ टू डू स्टडी एंड एंकरेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इन नवकार अकेडमी। Our ma'am say us how to do like things that we don't know, so we are proud of us. टीचर नाही। कितवी जातो? पहिली। ते क्लासला जातो? हा? कोणत्या शाळेत जातो तू? लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश पॉपकॉर्न।
पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.